बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मरियम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि सर्दियों में बहुत मशहूर है। सर्दियों में लोग, बहुत सारे लोग गाजर का हलवा बनाते हैं और मैं गाजर का हलवा बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ। गाजर के हलवे में कुछ लोग घी यूज़ करते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। गाजरों का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले गाजरों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 4 पाउंड गाजरें ली हैं और उनको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और अगर आप दूसरे लिहाज से देखें तो हमने जो है वो यहाँ पर 4 किलो गाजरों का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मेरे पास चीनी है, जो कि मेरे पास दानों वाली चीनी नहीं है, मैंने यहाँ पर पाउडर वाली चीनी यूज़ की है, और ये है 400 ग्राम शुगर। और यहाँ पर मेरे पास है ऑयल, जो कि 200 ग्राम है। मेरे पास खोया है, जो कि होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्द ही दूंगी। ये मैंने लिया है 150 ग्राम। यहाँ पर मेरे पास इलायची है, जो कि मैंने यहाँ पर ली है 6 से 7 इलायची है, उनको अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाना इसको, बस अच्छे से आप कुंडी डंडे में डाल के हल्का हल्का सा पीस लें। यहाँ पर मेरे पास बादाम है, जो कि मैंने 1 कप यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी जो है गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लें और कुछ अंदर भी ऐड कर लें, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने कम यूज़ किए हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 ग्लास ऑफ मिल्क, जो कि आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अभी 1 ग्लास मिल्क की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं हमें गाजर का हलवा बनाने के लिए चाहिए। तो चले अब स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है गाजर का हलवा बनाने। एक देचकी ले ली है और उसको जो है वो मैं हाई फ्लेम पे गरम कर रही हूँ। जब ये गरम हो जाए तो आप इसमें ऑयल डाल दीजिएगा। देचकी हमारी यहाँ पर गरम हो गई है और अब हम यहाँ पर ऑयल डाल देंगे देचकी में और अपनी फ्लेम जो है वो थोड़ी मीडियम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल दिया है, हमारी देचकी ऑलरेडी गर्म थी तो ऑयल हमारा एकदम से साथ ही गर्म हो गया है। तो हम ऑयल में जो है सबसे पहले हम इलायची पाउडर डाल देंगे, जो हमने कूट के रखा हुआ है। यहाँ पे हम डालेंगे इलायची पाउडर। बहुत ज़्यादा भी चूल्हे की फ्लेम तेज़ नहीं रखनी, वरना आपकी इलायची जल जाएगी। इसे हम चम्मच चला लेंगे और थोड़ा सा हम जो है इलायची को जो है वो भूनेंगे, ताकि इलायची का थोड़ा सा जो है वो खुशबू आए। हमारी जो है वो ऑयल में भुन चुकी है और अब हम डालेंगे इसमें गाजरें। बहुत देख के डालिएगा आप गाजरें, और अगर गाजरें गिर गई तो मेरी सास ने मेरी जान निकाल दी। इसको अच्छी तरह से हम पूरी क्लीन करेंगे। सबसे जो मुश्किल काम होता है वो गाजरों को संभालना होता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो चम्मच चलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी थोड़ी क्वांटिटी हो, जैसे कि 2 किलो गाजरें हो, तो बहुत ही ईजी होगा आपको गाजरों को भूनना, गाजरों का पानी जो है वो ड्राई करना। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगा, बट हो जाएगा, हम लोग मिल के कर लेंगे। गाजरें डल चुकी हैं और हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी बहुत ज़्यादा गाजरें हैं तो इसमें चम्मच चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। इन गाजरों को आज हम अच्छे से पका लेंगे। गाजरों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम अपना चम्मच यहाँ पर थोड़ा चलाते रहेंगे और इसको हाई फ्लेम पर रख के हमने गाजरों को पकाना है। पहले गाजरों को जो है हमने पानी नहीं सुखाना, पहले पकाना है। तो हम यहाँ पर गाजरों को पहले पका लेंगे, मेनली हमें गाजरों को पकाना है। गाजरें पक जाएंगी तो वो अपना पानी खुद ही छोड़ेंगी। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं, पहले गाजरों को पकाना है, दैट्स इट। मैंने यहाँ पर जो है वो गाजरों का हलवा बनाने के लिए ऑयल यूज़ किया है, लेकिन आप जो है वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जो आपकी मर्ज़ी है। जो है वो हमने गाजरों को जो है वो 5 से 6 मिनट तक पकाया है और अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे, ताकि हमारी गाजरें मज़ीद और पकें और अच्छे तरीके से पकें। और दूध डालने के बाद हम इसके ढक्कन ढक देंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने के बाद जो है वो आप चम्मच हिला लें और थोड़ा सा जो है वो मीडियम फ्लेम कर दें।
इसको हिला लें और उसके बाद जो है वो आप अपना ढक्कन ढक दें और इसको जो है वो 15 से 18 मिनट तक जो है वो आप 15 to 18 मिनट्स तक आप इसको ढक्कन रख के जो है वो पकाएं ताकि आपकी गाजरें जो है वो गल जाए। हमने पहले गाजरों को गलाना है। यहाँ पर जो है वो इस टाइम मैं ढक्कन उठा के देख रही हूँ। बीच में थोड़ा सा गाजरों को आप देख भी लीजिए क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों की गाजरें लग भी जाती हैं। थोड़ा सा चम्मच हिला लीजिए और अभी गाजरें गली नहीं है। एक बात आपको बताना भूल गई, मैंने आपको बोला था 15 to 18 मिनट्स लेकिन यहाँ पर मेरी गाजरों को टाइम लग रहा है क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। कुछ लोगों की क्वांटिटी कम होती है, जैसे कि यहाँ पर 4 किलो है, किसी की 1 किलो भी होती है, 2 किलो भी होती है, तो उनको 15 to 18 मिनट्स लग जाते हैं गाजरों को पकाने में। तो यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगेंगे इन गाजरों को पकाने में, क्या पता ज़्यादा भी लग जाएँ। डिपेंड है कि गाजरें कितना टाइम लेंगी पकने के लिए। वापस से ढक्कन ढक देंगे और हम इसको पकाएंगे। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है बट 30 मिनट्स तक एटलीस्ट हम देखेंगे 30 मिनट्स के बाद कि हमारी गाजरें पकी हैं या नहीं पकी। और बीच में हम देखते रहेंगे 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद के गाजरें नीचे लग तो नहीं रही, कभी कभी नीचे लगने भी लग जाते शुरू हो जाती हैं, तो आप उस चीज़ का ज़रूर ख्याल ध्यान रखिएगा। अपनी फ्लेम को जो है वो लो कर दीजिएगा और ढक्कन ढक दीजिएगा क्योंकि अगर तेज़ पे कभी भी गाजरें गलती नहीं है, हमेशा लो फ्लेम पे गाजरें जो है वो गलती हैं। कोई भी चीज़ हो वो हमेशा लो फ्लेम पे ही गलाई जाती है। ये देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी गाजरें जो है यहाँ पर गल चुकी हैं। अब हमने अपना चूल्हे की आंच जो है वो हाई पे रखनी है, हाई फ्लेम पे हमने इसको जो है अब भूनना है। मेनली जो हमारी गाजरें थी वो पक चुकी हैं तो अब हम इसको भूनेंगे हाई फ्लेम पे रख के। गाजरें बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अगर आपको चेक भी करना हो तो आप किसी स्पून से या किसी फोक से लेके आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी गाजरें पकी हैं कि नहीं पकी, लेकिन पक चुकी हैं। अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए गाजरें जो है वो अपना पानी छोड़ रही हैं। और मज़े की बात आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि गाजर का हलवा एक ऐसी चीज़ है कि आप कद्दूकस जो है वो जैसे 4 किलो कर रहे हैं लेकिन वो बचेगी 2 किलो या 1.5 किलो, क्योंकि गाजर का हलवा जो है वो मतलब आप ज़्यादा करते हो तो वो थोड़ा सा बच जाता है क्योंकि इतना आप उसको पकाते हैं और गाजरें जो है वो शिलिंग हो जाती हैं, इतनी सी रह जाती हैं। इसी तरह जो है वो जो मैं खोया इसके अंदर डाल रही हूँ सेम चीज़ खोए के साथ भी है। अगर आप खोया बना रहे हैं तो खोए के लिए भी जब आप दूध डालते हैं तो उसको पका पका के आखिर में जो है वो इतना सा रह जाता है। इतना सारा दूध डालने के बाद 1 गैलन अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट 200 ग्राम के करीब आपका जो है वो खोया निकलेगा या 150 ग्राम के करीब आपका खोया निकलेगा। तो इसी तरह सेम चीज़ जो है वो गाजरों के साथ भी है। यहाँ पर हमारा जो है वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है गाजरों में से और हमने जो है वो फ्लेम जो है हाई पे की हुई है। हम इसको जो है वो इसका पानी ड्राई कर रहे हैं। उसमें आपको थोड़े से पेशेंट चाहिए, अगर आप पेशेंट नहीं रखेंगे तो गाजर का हलवा आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और बिल्कुल भी परेशान नहीं होएगा कि अभी पक क्यों नहीं रहा, बन क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। एटलीस्ट गाजर का हलवा बनाने के लिए 2 आवर्स 2 to 2.5 आवर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए क्योंकि बहुत पेशेंटली आपको काम करना होता है। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा जो है ऑलमोस्ट तेल छोड़ रहा है और अब हम इसमें जो है वो ऑलमोस्ट पूरी ही शुगर ऐड करेंगे। अब थोड़ी पहले मैं सोच रही हूँ कर लूँ, उसके बाद में और कर लूँ। मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा शुगर है तो मैं हलवे के हिसाब से डालूँगी। तो मिलाएं और डलेगी शुगर क्योंकि हलवा मीठा होना चाहिए। गाजर का हलवा मीठा ना हो तो गाजर के हलवे में मज़ा ही नहीं आता। थोड़ी और शुगर हम इसमें ऐड करेंगे। क्या कलर आ रहा है, ऑरेंज एंड वाइट। तो मिक्स करेंगे हम लोग अच्छे से। इसमें जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जाएंगी, खोया, बादाम और दूध तो ऑलरेडी चला गया, इलायची, बहुत सारी चीज़ें इसमें गई हैं।
बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। हमारे यहाँ पर जो है वो अमेरिका में क्या है कि गाजरों का कलर ऑरेंज होता है, पाकिस्तान में रेड होती है गाजरें, तो रेड कलर और खूबसूरत लगता है। हमारे यहाँ पर इस टाइम आपको कैमरे पे गाजरें जो है वो ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रही होगी। हम तेज आंच पे जो है वो भूनेंगे, क्योंकि चीनी का अपना भी बहुत पानी होता है। हमने चीनी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके डाली है और इतना ज़्यादा इसमें पानी निकला है चीनी का कि अब हमें इसको भी ड्राई करना है, और ड्राई करने में हमें ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तो कहीं नहीं गए हमारे। मैंने आपको बताया गाजर का हलवा बहुत पेशेंटली बनाना चाहिए, लेकिन होता बहुत आसान है। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डली हैं और बहुत ही मतलब बहुत मेहनत का काम उस तरह नहीं है। तो ये देखिए हमारा पानी जो है वो ड्राई हो रहा है, और आपने अगर अपनी शुगर चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं अपनी शुगर जो है किसी भी स्पून से आप चेक कर लें, लेकिन मुझे जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी शुगर ऐड की है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार जो है वो हाथ मार मार के यूं चेक कर रहे होते हैं। तो मेरी सासू माँ कहती हैं कि बहुत ज़्यादा आप अगर बार बार खाने पे हाथ डाल डाल के चेक करो या हाथ डालो तो बरकतें ख़त्म हो जाती है खाने में, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। खाना जो है वो एक ही दफ़ा हम लोगों को खाना चाहिए दस्तरखान पे बैठ के, बार बार जो है वो हाथ मार मार के उंगलियाँ मार मार के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बरकतें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हम लोग जो है थोड़े से बादाम जो है वो बीच में ऐड करेंगे, थोड़े से गार्निशिंग करेंगे, तो थोड़े से मैं यहाँ पर बीच में ऐड करूँगी बादाम। मैं आपको पर्सनली अपनी चीज़ बताऊँगी, मुझे बादाम बहुत पसंद बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली गाजर के हलवे में, बट मेरे घर में कुछ लोग हैं जिनको पसंद है तो मैं इस वजह से डाल रही हूँ, और ऑफकोर्स आप लोगों को भी पसंद होंगे तो इस वजह से भी डाल रही हूँ। बट मुझे गाजर का हलवा बिल्कुल सिंपल पसंद है, विदाउट एनी गार्निशिंग, सिर्फ खोया डाल के मुझे अच्छा लगता है, बस कोई बादाम नहीं, कोई अखरोट नहीं, कुछ भी नहीं। आपको एक ट्रिक बताऊंगी मैं, जिस तरह मेरी गाजरों का कलर ऑरेंज नज़र आ रहा है, मैं नहीं कर रही अभी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं। जिस तरह आपकी कोई गेट टुगेदर है या कुछ भी है और आपको कलर जो है वो थोड़ा डार्क चाहिए, रेड चाहिए और खूबसूरत कलर चाहिए, तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा आप रेड कलर इसमें ऐड कर दें तो आपकी गाजरें जो है वो रेडिश हो जाएंगी। देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है, मींस कि हमारा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। ऑयल जब ऊपर आ जाए समझें आपके गाजर का हलवा आधे से ज़्यादा जो है वो पक चुका है और भुन चुका है। जब भुनने की निशानी यही होती है कि आपका ऑयल ऊपर आ जाता है। ऑयल मेरा ऊपर आ रहा है मीन्स कि मेरा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बस रस्ते में ही है पकने की। थोड़ा सा आप खोया जो है इसमें ऐड कर लें बीच में, मैं थोड़ा सा अंदर डाल रही हूँ और थोड़ा सा जो है वो ऊपर गार्निशिंग करने के लिए यूज़ करूँगी, ताकि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा जाए, अच्छा लगता है। सबके अलग अलग डिफरेंट जो है वो तरीके होते हैं गाजर का हलवा बनाने का, मेरा डिफरेंट तरीका है, आप लोगों का डिफरेंट होगा। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। हमारा गाजर का हलवा जो है अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुका है, और मैंने आपको निशानी बताई थी कि ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, गाजर का हलवा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बना है। आप लोगों को देख के मुंह में पानी आ रहा होगा गाजर का हलवा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।